पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो फार्मर्स हैं इनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे जालंधर में। इनको हम सिखाएंगे काउ मैनेजमेंट किस तरह, जैसे ये गायों गायों तो पालते हैं लेकिन किस तरह इनको पालनी है वो चीज हम इनको सिखाएंगे। ये पिछले 6-7 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हमने ये एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है। यूजुअली तो पुलवामा साइड से, नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से ये पिछले 14 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। पिछले 8 महीनों से हमने यहाँ पे कम से कम 2800 की हुई है, तो जिसमें काफी सारे लड़कों को रोजगार मिला है और वो अपनी गांव के लेवल पे एक यूनिट खड़ा करते हैं कोऑपरेटिव की वसादत से। तो फिर जो गांव का जो सरप्लस मिल्क होता है वो इस यूनिट में बेचते हैं, इसका नाम है बीएमसी, यानी कि बल्क मिल्क कूलर। यहाँ पे जो पूरे किसानी इलाके का दूध यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद यहाँ से फिर हम चश्मेशाही शुरू कर देते हैं। अब आजकल इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है, जो हम ये फार्मर्स हैं तो वहाँ पे कि आप जो गाय मतलब पालते हो तो उसको किस तरह पालना चाहिए, उसको कमर्शियली हम किस तरह बना सकते हैं। पालते तो सब लोग हैं लेकिन कैसे फीडिंग किस तरह की जानी चाहिए, उनको क्या खिलाना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और आपकी जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे हम पूरा प्रॉपर ट्रेन कर देंगे, वहाँ पे उनको पूरा सिस्टम दिखा देंगे, उनको हम प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। वहाँ के जो डायरी फॉर्म है उन पे भी हम इनको लेते हैं ताकि इनको समझ आए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं ताकि वो ना हो और इनकी जो प्रोडक्शन है वो उसके बाद बढ़ जाती है। इससे पहले भी हमने यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट किया था लेकिन वो उसमें यहाँ के बहुत कम लोग गए थे, लेकिन आज जो एक ग्रुप हम यहाँ से भेज रहे हैं वो ये पर्टिकुलरली हम जनगेर एरिया से ही पर्टिकुलरली भेज रहे हैं। अगर जनगेर तो ऑलमोस्ट सारा अभी कवर हो चुका है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे जो 28 सोसाइटीज हमने ऑलरेडी मुंतखब की हुई है, तो यहाँ से अभी जो प्रोक्योर हमारा मिल्क होता है वो ऑलमोस्ट 2500 लीटर होता है, क्योंकि जो विंटर्स में जो दूध है वो क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है। अगर आप समर्स की बात करोगे तो समर्स में हम यहाँ पे 5000 से ऊपर यहाँ पे मिल्क कलेक्ट कर पा देते हैं, तो अभी जो है थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो गई है तो उस वजह से 2500 लीटर से ऊपर आ रहा है अभी यहाँ पे बीएमसी में आ रहा है। तो ये जिस गाँव में अभी हमने ये स्टार्ट नहीं किया है उनको सीधे मेरे साथ रब्ता कर सके, या JKMPCL हमारा एक पोर्टल है उनके साथ रब्ता कर सके तो हम उन तक पहुंच जाएंगे, फिर हम उनको बता सकते हैं कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, गाँव में किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा रोजगार भी मिल जाता है। और जो सबसे खास बात है इसमें, जो गाँव वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा मिल जाता था, जो कि लोकल जो वेंडर्स होते हैं जिनको मिल्क मिल जाते थे वो उनको 28-29 रुपए 30 रुपए रेट देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो आपकी रेट है वो आपकी खुद तक है, आपका जितना SNF और पैट जितना होगा उस हिसाब से आपका रेट मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करेंगे सोपोर की जो एवरेज रेट है वो लगभग ऑलमोस्ट 44 रुपीज निकल जाती है, यहाँ पे यहाँ की बात करूँ मैं 44 रुपीज एवरेज रेट निकल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि इसको फलानी को इतना रेट दिया जाएगा, ये टोटली फार्मर पे खुद पे डिपेंड है कि वो किस तरह से उसकी परवरिश करेगा तो उसी हिसाब से उसको रेट मिल जाता है। मैं तुजर्शी सोपोर से बोल रहा हूँ। तो सर मर्ज में हमने स्टार्ट किया था, तो जब हमने पहले स्टार्ट किया था सर तो हमने पहले इसको 2-3-4 लीटर क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इसके इस बारे में, तो पहले हमने ऐसे दूध पकड़ा 1-2 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 1 महीने तक जितना, मतलब उससे क्वान्टिटी बढ़ गई, जब एक फार्मर को फायदा मिला उससे क्वान्टिटी हमें बढ़ गई। तो 1 महीने के बाद हमें वहाँ पर एक एनालाइजर लग गया सर 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से हमने वहाँ पर एनालाइज लगाया, तो जो वहाँ पर ऑलरेडी जो दूध कलेक्ट कर रहे थे जो लोकल थे वहाँ पर सर वही इनका रेट दे रहे थे, चाहे जिसका जितना क्वालिटी अच्छी हो, चाहे अच्छी क्वालिटी हो चाहे लोअर क्वालिटी की हो, उनको 30-32 रुपए उनका रेट मिल रहा है वहाँ पर। लेकिन सर अब क्या है, जब हमने स्टार्ट किया JKMPCL से तो उसकी जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है उस हिसाब से उसको रेट मिलता है, किसी का 50-60 रुपए भी किसका लीटर ज्यादा। जो मैं बताऊंगा आपको सर, जो मेरे पास फार्मर आधे मतलब आधे वो है जिनका 60 से ऊपर भी वहां पर गया है दूध 60 रुपए से ऊपर, तो उसको वो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज भी और फायदा है, जो इसका यह आता है फीड और यह आता है वीट ब्रॉन उसमें आता है वो क्वालिटी का होता है, जो बाहर से जो हमें JKMPCL प्रोवाइड करता है वो बस वो बहुत ताजा होता है, वो बस 2-3-4 दिन फैक्ट्री से बना वो हमें वहां पर मिल जाता है,
तीन महीने के अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे ये चीज होता है जो जो गाय होती है उसमें उसको बहुत फायदा मिलता है, दूध बड़ा उसमें क्वांटिटी ज्यादा देती है और उसमें फैट एसिड ये सब चीज उसमें क्लियर हो जाता है। और एक चीज उसमें होता है सर, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो भी फैट या एसिड में उसमें उसको बहुत ज्यादा उसको दवाई कुछ दी जाती है, उसमें उसको अगर जिसको कम रेट मिलता है उसमें उसको फैट ऊपर हो जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है दूध की, और दूध ज्यादा देना शुरू कर दिया। अगर 10 लीटर दे रहे हैं जब हम अब इसका JKMPCL का अमूल का आता है इसमें, और उसमें सब्सिडी भी आती है सर, जो आम पीड होती है वो 6-6 महीने की होती है, 7-7 महीने की जो ये होती है, ये टोटल ताजा होता है सर, उसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है और दूध में ज्यादा होता है गाय में। अगर 10 लेते हैं 12-13-14 बहुत पहुंच जाता है। और उसमें सर एक चीज है, इसमें एक मेडिकल कैंप लगता है लोगों के लिए, जो ये फार्मर दूध लाते हैं उनके लिए कैंप लगता है, उसमें फ्री होता है, वो सब फ्री होता है कैंप, इसमें वो महीने में एक बार दो बार भी लगता है, जितनी जरूरत होती है कैंप की वो उस हिसाब से कैंप भी लगता है, उसमें सब कुछ फ्री होता है सर। बहुत बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि जो हमारे फार्मर है उनको ऑलरेडी वो उनको पता ही नहीं है ये फीडिंग कैसी करनी है, मिल्किंग कैसी करनी है, मतलब जो प्रॉब्लम है घर में आती है तो वो बहुत सारे सीख जाएंगे इसे, वहां पर दिखाएंगे फीडिंग कैसी करनी है गाय को, या उसका पशु होता है उनको वो सिखाएंगे कैसे इनका होता है दूध कितने, अगर दूध देना है इनको कितने टाइम में देना है और कौन कौन सी चीज इसमें मिल्किंग कैसी करनी है, सब कुछ वो दिखा रहा है।